आपको यहाँ पता है सेरेट के जिमली इलेक्शन का मार्का पंजाब असेंबली में आज मैदान सजेगा। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। पीटीआई के डॉक्टर शहजाद वसीम और नून लीग के खाजा अहमद हसान के मुबैन मुकाबला होगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर सलान हैदर से। जी अरसलान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज सेनेट के जो इंतखाबात हो रहे हैं, एक सीट खाली हुई थी। चौधरी मोहम्मद सरवर जो गवर्नर पंजाब तैनात हुए थे, उनकी खाली सीट निश्चित पर जो है आज इंतखाब हो रहे हैं ये सेनेट के बाई इलेक्शन। जिस तरह आपने बताया कि पंजाब असेंबली का जो हाउस है आज वो पूरा जो इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अदा करेगा और उसको अब से कुछ देर के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है और प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ वोटिंग होगी। 357 का हाउस है, इसमें तकरीबन 180 के लगभग जो उम्मीदवार वोट लेगा वो जो है वो कामयाब करार पाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास 186 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब उम्मीदवार है पाकिस्तान, उनके हक में जो है 160 वोट डालने की उम्मीद की जा रही है। एक बार सेनेट बाई इलेक्शन में जो पलड़ा है वो जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भारी है और कभी उम्मीद है कि तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर शहजाद वसीम वो उसको जो है ये आसानी से इस निश्चित जो है पंजाब की सेनेट की खाली करदा जो है चौधरी मोहम्मद सरवर की वो बासानी इस पर कामयाब हो जाएंगे। जी ठीक है, 180 वोट्स की जरूरत है जीत के लिए। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी साहब आपका।